बिल्लो, ये हमारा बिल्लो। म्याऊं, म्याऊं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद पहाड़ी व्लॉग्स। सो अभी निकल चुके हैं, आज सैटरडे है, जैसे कि सैटरडे के लिए अकेले निकल चुका हूँ एक छोटी सी राइड के लिए हल्द्वानी के अंदर ही, मतलब जाऊँगा, देखता हूँ नीचे भुजाघाट तक जाता हूँ। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी, हल्की हल्की बारिश हुई थी और मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हो चुका है अभी, और ठंडियों ने भी अपनी दस्तक दे दी है, जैसे कि सुबह शाम अब ठंडा होने लग गया है और ठंडी हवाएँ चलने लग गई है। सो चलते हैं एक छोटी सी राइड के लिए और आपको भी लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं शाम को, शाम का क्या व्यू होता है हल्द्वानी के अंदर। जैसे कि आज सैटरडे है तो सैटरडे को हल्द्वानी बंद रहती है, मतलब छुट्टी रहती है शॉप्स की, और काफ़ी लोग घूमने जाते हैं ऊपर की तरफ को। और अभी देखना आप रानी बाग से भुजाघाट को, जाम भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी लोग बाइकर्स जितने रहते हैं और घूमने वाले रहते हैं वो ऊपर को जाते हैं घूमने के लिए शाम के टाइम में, और आपको भी दिखाते हैं। सो यार अभी पहुंच चुका हूं मैं काठगोदाम, और यहां को तो आप देख सकते हैं रोड गीली है, तो मतलब बारिश हो रही थी। और अपने उधर तिकोनिया साइड तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, हल्की फुल्की हो रही थी बारिश, और यहाँ तो पूरा देखिए आप रोड पूरी गीली है। और ऊपर आपको सामने पहाड़ दिख रहे होंगे, क्या मस्त लग रहे हैं बड़े से पहाड़ अब, और ग्रीनरी तो बहुत तगड़ी आ रही है। गर्मियों के टाइम में आग की वजह से ये पूरे जंगल जो होते हैं जल के पूरे सूख जाते हैं, तो पहाड़ इतने मस्त नहीं लगते, पर जब बरसात शुरू होती है ना तो उसके बाद जब ग्रीनरी स्टार्ट होती है तब आता है असली मज़ा पहाड़ों का देखने में पूरा। और देखिए काठगोदाम में आपका अब जाम भी होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। सो ये पहुंच चुका हूं मैं हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन में, कुमाऊं का आखिरी रेलवे स्टेशन इसे ही कहा जाता है। यहां से जितनी भी रेल की सुविधा थी यहीं तक रहती है, उसके बाद से आपको यहां से फोर व्हीलर टैक्सी लेनी पड़ती है ऊपर के लिए, बसेस पहाड़ों के लिए। और काफ़ी जाम मिल रहा है गाइस, जाम तो काफी है। और ये देखिए आधा लद्दाख तो यहीं हमारा सपना पूरा हो जाता है इन गड्ढों में। अरे भैया राम लखन किनारे हो जाओ। नंदी आ गया, नंदी बताया था कि काठगोदाम रानीबाग के बाद जाम देखने के लिए मिल सकते हैं, वो बोला हुआ सच हुआ। देखिए आप, मतलब जाम रनिंग वाला है, चलता फिरता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रुका जाम है, बट ये है कि ट्रैफिक है थोड़ा बहुत,
और देखिए लाइन बारिश से गाड़ियाँ चल रही है, आगे अगर देख सक दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं। शाम के टाइम तो जाम हो ही जाता है क्योंकि शाम को ऑफिस वर्क भी छूटता है, ऑफिस भी छूटता है और जो घूमने वाले होते हैं वो भी शाम को निकलते हैं ऊपर पहाड़ों की तरफ को। और देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं नैनीताल यहाँ से है 32 किलोमीटर और रानीखेत 82 और भीमताल है यहाँ से सबसे पास जो कि है 17 किलोमीटर। पर हमें आज नहीं जाना है भीमताल ना नैनीताल ना रानीखेत। और लगता है आगे चेकिंग हो रही है गाइस। सो यार अभी निकल चुका हूँ मैं, मतलब नैनीताल वाला रूट छोड़ के अब मैंने पकड़ लिया है HMT वाला रूट जो कि जाता है आपका लमजला को और बलौट साइड को। और आज हम जाएंगे बलौट साइड को ही जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ का व्यू। और ये देखिए एक ढाबा ये है कन्नूदा वाला, यहाँ बहुत भीड़ रहती है गाइस सैटरडे संडे पार्टी के लिए। और जितने भी लोग बोलते हैं मतलब जो ये रेस्टोरेंट है ये बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है और ये चिकन विकन भी मस्त बनाते हैं। और ये देखिए बेस्ट व्यू देखिए आप, अगर आपको सामने दिख रहा होगा गधेरा और सामने पहाड़ देखिए क्या व्यू है। काफ़ी लोग आ रखे हैं घूमने, फैमिली भी आ रखी है। तो गाइस वहाँ से निकल चुका हूँ, एक दो रील बना ली है अपनी बाइक की। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विद पहाड़ी व्लॉग्स के नाम से ही है इंस्टाग्राम में आईडी। और फेसबुक में भी अपना छोटा मोटा पेज है और ग्रुप भी है तो आप उसमें भी हमें फॉलो कर सकते हैं ट्रैवल विद पहाड़ी के नाम से। अगर आपको अच्छी अच्छी शॉर्ट्स देखनी है, फ़ोटोज़ देखनी है अपने बेस्ट लोकेशन के तो आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। और अभी निकल चुका हूँ मैं ब्लॉट की तरफ को, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे ही है। और देखिए एक 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 कैफ़े यहाँ पर है, एक पीछे था और अब एक दो अभी। और ये आ गई है वाटर क्रॉसिंग सस्ती वाली लद्दाख की। और एक कैफे ये है और ये देखिए अपने नंदू भाई जी का दुकान है रेस्टोरेंट। और देखिए एक और क्या बढ़िया रेस्टोरेंट खुला हुआ गाइस, बहुत ही बढ़िया पगडंडी, बहुत सही सही रेस्टोरेंट खुल गया है इधर को। और इधर ही जो आपका ब्लॉट रिजॉर्ट और क्लब है वो भी यहीं है और बूबूस कैफ़े भी यहीं है। शाम को सामने आपको लोकेशन दिख रही होगी और बूबूस कैफ़े की तो आपको छत भी दिख गई होगी। पर यहाँ बारिश ने जो तबाही मचाई थी ना गाइस वो सब चीज़ बर्बाद कर दिए, आपको पास जाके दिखाता हूँ अभी। तो देखिए आप तबाही देख सकते हैं यहाँ की कितना खतरनाक हो रखा। सामने आप देख सकते हैं ये है बूबूस कैफ़े और ऊपर जाके आपका उस वाली पहाड़ी में है आपका ब्लॉट कैफ़े। और बहुत मिट्टी वाला पानी आ रहा है। और आगे देखिए आप यहाँ पर तो मतलब एक हब है कैफ़े और रेस्टोरेंट्स के और बहुत मतलब ज़्यादातर फेमस तो बूबूस कैफ़े और आपका ब्लॉट रिजॉर्ट है और क्लब है। आपको यहाँ से पुल से व्यू दिखाता हूँ। सो ये देखिए एक पुल ये है जो कि टूट चुका है, इधर से भी इसका रास्ता टूट गया है और उधर से भी। और इसमें अगर आपको जाना है तो कुछ दुफानी करके ही जाना पड़ेगा या तो आपको माउंटेन ड्यू पी के जाना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए पूरा पुल टूट चुका है और एक कैफ़े ये भी है हट वाला, ये देख सकते हैं आप। और अंधेरा भी हो चुका है और अपनी बाइक भी चमचमा रही है अब 220। सो गाइस आज का तो अपनी राइड तो यहीं के लिए आए थे, थोड़ा और आगे चलते हैं फिर वापसी चलते हैं घर की तरफ को। एक छोटी सी राइड के लिए आए थे बस हम, क्योंकि काफ़ी एक दो दिन हो गए थे वीडियोस नहीं डाली थी तो मैंने सोचा एक छोटी सी यहाँ की लोकल वीडियो बना ही लेते हैं।
और ये देखिए, ये हैं यहाँ के रेस्टोरेंट सारे। और जो आपको सामने दिख रही है बिल्डिंग, ये है बुबूस कैफे की बिल्डिंग। और ऊपर एक और है, लास्ट है, जो ऊपर ब्लॉट है वो लास्ट है। और यहाँ की रोड देखिए आप, क्या खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ। वापसी चलते हैं गाइस, वैसे भी बारिश हो रही है तो रिक्स नहीं लेना चाहिए खाली में, कहीं पत्थर वत्थर आ गए तो और भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वापसी चलते हैं घर की तरफ को, और वैसे भी शाम के टाइम है तो खाली में रिक्स लेना सही भी नहीं है। और अब जाएंगे हम मेन रोड से होते हुए, अभी तक तो हम नीचे वाली रोड से आए थे, अब चलते हैं मेन रोड से। सो यार गाइस, पहुंच चुके हैं हल्द्वानी वापसी। सो व्लॉग ख़त्म करते हैं, मतलब व्लॉग का दी एंड करते हैं, और मिलते हैं नए व्लॉग में आपसे। और शायद क्या पता कल संडे है तो कल हमारी ग्रुप साइकिलिंग ग्रुप राइड बन रही है गर्जिया देवी के लिए, हल्द्वानी टू गर्जिया देवी रामनगर। देखते हैं कल सुबह ही पता चलेगा, अगर जाएंगे तो आपको व्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो कहीं और का व्लॉग बनाएंगे। सो ये व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो तब तक ले, बाय बाय गाइस, फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय।